आप सबों को मेरी ओर से जय मसीह की और हमारे साथ जितने जुड़े हैं आप सबों का स्वागत है आज की आराधना में, आज के संडे के लाइव आराधना में। प्रभु आपके जीवन को आशीषित करें, आपके जीवन में प्रभु का अनुग्रह बना रहने पाए। जो हमारे साथ पहली दफा भी जुड़े हैं आप सबों का भी स्वागत है। और ये सभा जो है ये चंगाई सभा के रूप में भी जानी जाती है, क्योंकि लोग जब इस आराधना में जुड़ रहे हैं जो यीशु मसीह के नाम को नहीं जानते थे, वे भी जब इस आराधना में जुड़ रहे हैं यीशु मसीह उनके जीवन को आशीषित कर रहे हैं। ये समय है जब हम एक प्रार्थना के साथ आराधना में आगे बढ़ेंगे। एक छोटी प्रार्थना के साथ हम आज के सेशन को बढ़ाएंगे और आगे हम कुछ गवाहियों को सुनेंगे जो प्रभु ने हमारे बीच में इस आराधना में जुड़ने के द्वारा लोगों के जीवन में अपने सामर्थ्य को प्रकट किया। जब लोग तकलीफ में थे, समस्या में थे, दुर्बलता में थे, यीशु मसीह ने उनकी सुधि लिया। साथ ही कुछ गवाहियों के साथ हम प्रभु के जीवित वचनों को सुनेंगे और प्रभु के संदेश को जब हम सुनते हैं विश्वास के साथ, एक एक वचनों को हम सुने, परमेश्वर के दास सुधांशु हमारे साथ हैं जो आप तक प्रभु के संदेश को पहुंचाएंगे और विश्वास के साथ आप प्रत्येक वचनों को सुनेंगे, क्योंकि जीवित है वचन जो आपको छुटकारा देता है। और अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि अंत में फिर आपके लिए चंगाई की प्रार्थना होगी। तो ये समय है, आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे और एक प्रार्थना के साथ हम आज की आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस कड़ी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के समय के लिए, इस घड़ी के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपने एक सुंदर उपाय किया, धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने लोगों के लिए एक माध्यम चुना, इस फोन को प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस फोन के जरिए प्रभु यीशु आपने कई एक के जीवन को आशीषित किया है। जब वे अपने स्थानों से इस आराधना में जुड़ रहे हैं प्रभु, आपने कई परिवारों को आशीषित किया है, कई जीवन को आपने बचा लिया है जो मृत्यु में पड़े हुए थे, जो मृत्यु के शैया में पड़े थे प्रभु, आपने उनके लिए भी उपाय किया, उनको भी प्रभु यीशु आपने जीवन दान दिया है। क्योंकि हम जानते हैं यीशु आप जीवित परमेश्वर हैं, आप वास्तव में परमेश्वर हैं और आपके लहू में सामर्थ्य है। जितने आपके लहू में विश्वास करते हैं वो बचाए जाते हैं, जितने आपके बलिदान पर विश्वास करते हैं वो नाश नहीं होते परंतु अनंत जीवन पाते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, ये समय है जब लोग बड़े विश्वास के साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं। प्रभु यीशु एक एक के विश्वास को दृढ़ कीजिए और हर एक को विश्वास से बढ़कर प्रभु उनके जीवन कार्यों को प्रकट कीजिए। यीशु मसीह नासरी, अपने लहू से हमारे हर पापों को, गुनाहों को, अपराधों को मिटा दीजिए। जितने लोग जुड़े हैं प्रभु, हर एक को अपने लहू के द्वारा शुद्ध कीजिए, विश्वास के वरदान को उंडेलिए और मांगते हैं प्रभु यीशु स्थिरता को दीजिए। जहां जहां से लोग जुड़े हैं सबों को स्थिर बनाइए और ऐसी बातें जो उन्हें प्रभु आपके इस आराधना में जुड़ने से रोकती हैं, ऐसी परिस्थिति को भी यीशु नाम से हम दूर करते हैं। आमीन यीशु। हर परिस्थिति को अनुकूल बनाइए और यीशु जब लोग आपके नाम को स्मरण करते हैं, आपके नाम को लेते हैं, उसी घड़ी वे प्रभु आपकी ओर से आशीषित होने पाए। आज के वचन को जो प्रभु यीशु आप अपने लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं प्रभु यीशु आप उंडेल दीजिए। आपके दास सुधांशु को आपके हाथों में सौंपते हैं, बोलने की सामर्थ्य दीजिए प्रभु यीशु मसीह। अपने अभिषेक के हाथ को बढ़ा दीजिए, उनके होठों को छू लीजिए। मांगते हैं प्रभु ये वचन जब बांटा जाए लोगों के जीवन के हर बंधन टूटने पाए, हर श्राप मिट जाने पाए और हर सूखेपन दूर होने पाए, लोग आपके वचन के द्वारा तृप्त होने पाए, लोगों के जीवन में हरियाली होने पाए। यीशु सारी महिमा आपके नाम को देते और मांगते हैं प्रभु जैसी आपकी इच्छा इस आराधना के द्वारा लोगों के जीवन में आप पूरी कीजिए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हर एक जुड़ने वालों को फिर से हम आपके कंट्रोल में सौंपते हैं, आपके पवित्र आत्मा के कंट्रोल में सौंपते हैं।
हर एक डिस्टर्बेंस को, भटकाने वाली बातों को, गड़बड़ी की आत्मा को यीशु नाम से दूर करते हैं। व्यर्थ बातों से हमारी रक्षा कीजिए। और यीशु, जब लोगों के जीवन में काम होता है, प्रभु ने धन्यवादी मन दीजिए कि अपनी गवाहियों को विकायत करने पाए। जितने लोगों ने गवाही दिया उन्हें बहुत आयत की आशीष दीजिए। यीशु, सारी आदर महिमा आपके नाम को दे। इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। फिर से मेरी ओर से सबों को जय मसीह की। आराधना के अंत तक आप जरूर बने रहें, क्योंकि अंत में फिर आपकी चुनाई की प्रार्थना होगी। और जितने बातों को आप यहाँ सुनते हैं बिल्कुल ध्यान धर कर सुने और विश्वास के साथ आराधना में आप बैठे। वो परमेश्वर बहुत भले परमेश्वर है, मनों को जांचने वाले परमेश्वर है। जैसा आप उनसे प्रेम करेंगे, जैसा आप उन पर विश्वास करेंगे, उससे बढ़कर वो आपको आशीषित करेंगे। तो आगे की आराधना को परमेश्वर के दासांशु के हाथों में सौंपती हूँ। आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। फिर से सबों को जय मसीह की। आप सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। और यीशु मसीह के इस महासामर्थी नाम से, जो नाम सब काम करता है, आप सभी आशीषित होने पाए। तो आइए हम लोग जल्दी से कुछ गवाहियों में आगे बढ़ेंगे। और आप लोग जानते हैं इस ट्यूसडे हम लोग किसी काम से बाहर थे, तो हम लोग शामिल नहीं हो पाए, हम लोग इस सभा को नहीं चला पाए। लेकिन हम जानते हैं आप लोगों ने जरूर रिकॉर्डिंग सभा सुना होगा और यीशु मसीह ने आपको जरूर आशीषित किया होगा। तो आइए जल्दी से हम लोग कुछ गवाहियों में आगे बढ़ेंगे। और जिनका नाम मैं लेता हूं, अगर आप इस सभा में शामिल हैं जय मसीह की या प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखेंगे ताकि हमें भी पता चले कि आप इस सभा में निरंतर शामिल होते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने अभी तक इस सभा को शेयर नहीं किया, आप जरूर से अपने प्रियों के बीच शेयर कीजिए। जिनके लिए आप जानते हैं कि उन्हें तकलीफें हैं, दुख है, परेशानियां, उनको तो खास करके इस सभा के बारे में बताइए ताकि यीशु मसीह उनके जीवन में काम करे। और आप जब उनके सम्मुख इस सभा को शेयर करेंगे, यीशु मसीह आपको भी जरूर आशीषित करेंगे। तो आइए जल्दी से हम लोग गवाहियों में आगे बढ़ेंगे। और ये जो पहली गवाही है, ये बहन है लीजा खाट्रोपल। मैं प्रोनाउंस ठीक से कर रहा हूँ या नहीं कर रहा मैं नहीं जानता, लेकिन लीजा खाट्रोपल करके शायद इनका नाम है। और इनकी आईडी तो वही दिख रही है, हो सकता है मैं प्रोनाउंस करने में थोड़ा गलती कर रहा हूँ, लेकिन लीजा खाट्रोपल करके है इनका आईडी, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ। और ये लिखती हैं, जय मसीह की सभी को, और मेरा नाम लीजा है। लीजा बहन, अगर आप हैं सभा में शामिल हैं तो आप जय मसीह की जरूर से लिखिए। लीजा है या लाइजा, ये लिखी है लाइजा या लीजा, ऐसे ही है। तो इंग्लिश का प्रोनाउंस थोड़ा सा थोड़ा दूसरा ही होता है। तो लाइजा या लीजा जो भी हैं, आप अगर सभा में शामिल हैं जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड, आप जरूर से लिखे। और ये लिखती हैं, मैं चंगाई सभा में 3 साल से बनी हुई हूँ। 3 साल हो गए इनको इस सभा को देखते देखते। और ये लिखती हैं, यीशु मसीह ने मेरे लिए पहले भी बहुत काम किया है। लीजा या लाइजा खाट्रोपल जो भी हैं, आप जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड लिखिए अगर आप इस सभा में शामिल हैं। इन्होंने लास्ट में लिखा है कि शायद ये इस सभा में शामिल नहीं रहेंगे, हो सकता है रिकॉर्डिंग सभा देखेंगे, इन्होंने लास्ट में लिखा है, क्योंकि ये नौकरी में है, इन्होंने ऐसा लिखा है। तो ये लिख रही, पहले भी बहुत काम किया है और उन सब कामों के लिए मैं दिल से यीशु पिता को धन्यवाद करती हूँ, और आज भी उसने मेरे लिए काम किया। लीजा या लाइजा करके जो है बहन, और ये लिखती है, मुझे लिकोरिया की प्रॉब्लम थी। लिकोरिया की प्रॉब्लम, ये लिकोरिया की प्रॉब्लम स्त्रियों को होती है और स्त्रियां जानती हैं, महिलाएं जानती हैं इस प्रॉब्लम को। और ये लिखती हैं, 2-3 सालों से थी, 2-3 वर्षों से इनको लिकोरिया की प्रॉब्लम थी, ये स्त्रियों की प्रॉब्लम थी इनको। इसके वजह से मैं बहुत परेशान रहती थी और इसके वजह से मेरे अंदर बहुत वीकनेस आ गई थी, बहुत ही ये वीक हो गई थी, कमज़ोर हो गई थी इस प्रॉब्लम के चलते। और ये 2-3 वर्षों से ये प्रॉब्लम थी। साउंड क्या कम आ रहा है? साउंड अगर कम आ रहा है तो आप बताइए, साउंड ठीक आ रहा है मेरा? सुनाई आप लोग को दे रहा? किसी ने लिखा है साउंड बहुत कम आ रहा है, अगर कम आ रहा है तो आप बताइए।
तो हम लोग कुछ उपाय करेंगे। और ये लिख रही हैं कि 2-3 सालों से इनको ये लिकोरिया की प्रॉब्लम थी और ये कह रही हैं कि इसके वजह से मैं बहुत परेशान थी। और मेरी साउंड आप लोग को आ रही है? सही है। अच्छा सही है साउंड, ठीक है भैया, लोग लिख के दे रहे हैं। जिन्होंने लिखा साउंड का मारा, आप अपने मोबाइल को चेक कीजिए। हाँ यहाँ से ठीक है, आपका मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ संतोष मल्लिक भाई आप लोग कल फोन कीजिएगा, संतोष मल्लिक, मीना मल्लिक आप लोग कल फोन कीजिएगा हमें दिन में। और इसके वजह से मेरे अंदर बहुत वीकनेस आ गई थी, किसी भी कामों में एक्टिव नहीं हो पाती थी। और आज प्रेयर देखते देखते उसकी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। हालेलुया, यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं कि प्रॉब्लम जो थी 2-3 वर्षों से, लिकोरिया की प्रॉब्लम जो थी, वो पूरी रीति से प्रभु ने ठीक कर दिया, वो चंगा कर दिया। यीशु मसीह ने इस सभा को देखते देखते ठीक कर दिया। और जब लास्ट में प्रेयर होता है तो मैं उसमें प्रेयर करती थी कि मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दे, और आज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। लीजा या लाइजा बहन अभी नहीं है ये, क्योंकि जॉब में रहती हैं। और ये लिख रही हैं, इन सब कामों के लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ यीशु मसीह का। और ये जब गवाही पढ़ी जाएगी तो शायद मैं ना रहूं, क्योंकि मैं जॉब करती हूँ जिसकी वजह से ऑनलाइन लाइव प्रेयर नहीं देख पाती हूँ। कभी कभी कोशिश करती हूँ लाइव की ऑनलाइन देख पाऊँ, पर नहीं होता है। इस वजह से मैं रिकॉर्डेड सेशन देखती हूँ। अगर आप रिकॉर्डिंग सेशन देखेंगे तो आप जय मसीह की जरूर से उसमें लिखिएगा, हमें पता चलेगा। फिर से मैं एक बार धन्यवाद करती हूँ यीशु पिता का कि आपने मेरे लिए काम किया। तो यीशु मसीह का हम जितना भी धन्यवाद दे वो कम है। लीजा या लाइजा जो है बहन, यीशु मसीह ने उनके जो प्रॉब्लम थे 2-3 वर्षों के, यीशु मसीह ने उनको चंगा किया। तो हम जितना भी प्रभु का धन्यवाद दे वो कम है। यीशु मसीह चंगा करने वाले परमेश्वर हैं, और इस सभा की तो यही खासियत है कि इस सभा में लोग जुड़ रहे हैं और यीशु मसीह उनके सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर रहे हैं। अगर आपकी भी कोई भी प्रॉब्लम है आप उसको मन में रखिए। इस सभा में जब जुड़ते हैं, लास्ट में पास्टर प्रार्थना करती है, आप मांगिए यीशु मसीह से कि मुझे भी चंगा कीजिए। यीशु मसीह आपको जरूर चंगा करेंगे। तो आइए दूसरी गवाही में हम लोग जाते हैं। दूसरी गवाही है सुशीला तिर्की, सुशीला तिर्की करके आईडी है, और ये आईडी है सुशीला तिर्की, सुशीला तिर्की। अगर आप हैं बहन सुशीला तिर्की तो जय मसीह की आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, मेरा नाम सुशीला तिर्की है। हाँ सुशीला तिर्की, तो ये लिखते सुशीला तिर्की है, मेरी गवाही यह है कि मेरी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए 2018 से कोशिश कर रही थी। 2018 से अपनी बेटी के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोशिश कर रही थी सुशीला तिर्की, और आज हो गया 2023, यानी लगभग 5 वर्ष हो गया। और जन्म प्रमाण पत्र अगर आप सही समय से नहीं बनवाएंगे तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होगी। सुशीला तिर्की, सुशीला तिर्की ने जय मसीह की लिखा है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, हम लोग आपके लिए पिन कर देंगे कि आप ठीक से देख पाएं। और ये लिखती हैं कि जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए मैं कोशिश कर रही थी, और कब से 2018 से ये कोशिश कर रही थी, लेकिन इनका ये बेटी का जो जन्म प्रमाण पत्र था वो बन ही नहीं रहा था। और फिर से आप जय मसीह की लिखिए सुशीला तिर्की बहन, फिर से आप जय मसीह की लिखिए। और नहीं हो रहा पिन, अच्छा कुछ यहाँ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसके कारण हो नहीं रहा है। फिर से आप सुशीला तिर्की बहन, सुशीला तिर्की आप फिर से जय मसीह की लिखिए, ताकि हम आपके आईडी को पिन कर सके, लोग आपको देख सके। और 2018 से जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए कोशिश कर रही थी लेकिन नहीं बन रहा था। लाइव प्रार्थना सभा में शामिल होकर जब दीदी लास्ट में सभों के लिए प्रार्थना करती हैं, इस सभा में जब प्रार्थना होती है सभों के लिए, तो मैं भी यीशु मसीह से मांगती थी कि मेरी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बन जाए। और अब मेरी बेटी का 16/8/2023 यानी अगस्त महीने में जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड दोनों
बनकर आ गया है। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। 5 वर्षों से ये परेशान थी ये माँ अपनी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, लेकिन आप जानते हैं सरकारी कामों में बहुत परेशानियां होती हैं, और अगर आप बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाएं और लेट कर दे तो फिर बहुत ही दिक्कत होगा। सुशीला तिर्की, फिर से आप जय मसीह की फिर से लिखिए। सुशीला तिर्की बहन, जय मसीह की फिर से लिखिए आप। और इनका बेटी का जन्म प्रमाण पत्र कब बना? जब इन्होंने इस सभा में मांगा कि यीशु मसीह मेरी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बन जाए। 5 वर्ष इन्होंने खूब कोशिश किया, नहीं बना, अपने से कोशिश किया, नहीं बना। लेकिन जब इन्होंने मसीह से इस सभा में मांगा, जब पास्टर प्रार्थना करती हैं उस समय मांगा, और यीशु मसीह ने इनकी बेटी का जन्म प्रमाण पत्र बनवा दिया। यीशु मसीह का धन्यवाद देते। और आधार कार्ड भी बनकर आ गया है उसका, वही से अच्छा बन गया। सबको आशीष मिले और प्रभु यीशु मसीह को लाखों करोड़ों बार धन्यवाद। और दीदी और भैया को बहुत आयत की आशीष मिले सबको। जय मसीह की, जय मसीह की बहन सुशीला तिर्की। सुशीला तिर्की फिर से, हाँ आप, इन्होंने लिखा जय मसीह की, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आया आपके स्क्रीन पे सुशीला तिर्की। सुशीला तिर्की ने हो गया, दिख नहीं रहा है। अच्छा, इनका पिन हो गया लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से दिख नहीं रहा है। कोई बात नहीं, यीशु मसीह हमें आशीष दे। आप देख सकते अपने स्क्रीन पे सुशीला तिर्की। सुशीला तिर्की के आईडी से उन्होंने फिर से जय मसीह की लिखा है। तो आइए हम लोग जल्दी से तीसरी गवाही में बढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे। और ये है सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी करके बहन है। सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी करके बहन है। अगर आप सभा में शामिल हैं, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी आप जरूर से लिखिए। और ये लिखती हैं, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की दीदी भैया, मेरा नाम सुप्रिया है और ये लिख रही है, मैं बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी, पाती थी। हाँ, इन्होंने जय जी भैया लिखा, सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी ने जी भैया लिखा। आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, आपके स्क्रीन पे पार हो गया होगा, थोड़ा ऊपर चला गया होगा। और इन्होंने लिखा है अपनी गवाही कि ये बेबी कंसीव नहीं कर पाती थी। शादी के 2 साल हो गए थे, मां नहीं बन पा रही थी। और यही लिख रही हैं कि 2 साल हो गए थे, बहुत बार दीदी को प्रेयर के लिए बोला मैंने कि मुझे बेबी हो जाए, और हमेशा इनका यहाँ पे निवेदन आता था बेबी हो जाए ऐसे करके, ये हमेशा ऑनलाइन में देती थी। और सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी, आप लोगों ने देखा था जय मसीह की लिखा था इन्होंने। और मैं पहले बहुत डॉक्टरों को दिखाती थी रेगुलर, लेकिन प्रभु की कृपा हुई मुझ पर और मैं कंसीव की। और कैसे? इस सभा में शामिल होने के द्वारा। मैं सुप्रिया, ये मेरी गवाही है, उन्होंने लिखा, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे, सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी ने लिखा है, मैं सुप्रिया, यह मेरी गवाही है। और इस सभा में शामिल होकर यीशु मसीह ने इनके जीवन में काम किया और ये यीशु मसीह ने इनके गर्भ को खोला, ये माँ बन पाई, बेबी कंसीव कर पाई और मुझे बेटा हुआ। यीशु मसीह का धन्यवाद देते हैं। और ये लिखते हैं, मुझे बेटा हुआ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह का। और दीदी भैया आप दोनों पर भी प्रभु ऐसी कृपा बनाए रखे, आप दोनों सबके लिए प्रेयर करते हैं, प्रभु आप दोनों की सारी मनोकामना पूरी करे, धन्यवाद, आमीन। सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी ये बहन जो हैं, इन्होंने अपनी गवाही दिया। और आप लोगों ने जो नियमित रूप से सभा में शामिल है, आप लोगों ने देखा कितनों के गर्भ यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने खोल दिए। कितनी बहनें थी जो मां नहीं बन पा रही थी, विवाह के कई वर्ष हो चुके थे, कितने वर्ष हो चुके थे, लेकिन जब इस सभा में शामिल हुए, यीशु मसीह ने उनके गर्भ को खोला, वो मां बन पाई, यीशु मसीह ने उन्हें आशीषित किया। और आज सुप्रिया आशीष चरण पहाड़ी ने भी इस गवाही को दिया। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देते हैं, सारी आदर महिमा प्रशंसा गौरव सब प्रभु यीशु मसीह को मिले, क्योंकि उन्हीं के नाम में सामर्थ है और वो सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी भी मनोरथें हैं, आप भी चाहते हैं प्रभु आपके जीवन में काम करे, इसी प्रकार से नियमित इस सभा में बने रहें, बिल्कुल रेगुलर बने रहें,
हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से ये सभा चलाई जाती है और आप ही के लिए चलाई जाती है कि आप आशीषित हों। और जितने लोग इस सभा में शामिल होते हैं यीशु मसीह सबको आशीषित करते हैं। तो हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से लाइव इस सभा में शामिल हों, यीशु मसीह आपको ज़रूर आशीषित करेंगे। और जो यहाँ वचन के द्वारा बतलाया जाता है उन वचनों पे चलना है, अगर आप उन वचनों पे चलेंगे जैसा समझाया जाता वैसा चलेंगे आप आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन यीशु मसीह का वचन ही कार्य करता है। तो यीशु मसीह का हम धन्यवाद देता है। हम जल्दी से एक छोटी प्रार्थना में जाएंगे और उसके बाद हम लोग तुरंत वचन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे प्रभु यीशु मसीह आज हमसे क्या बातचीत कर हमसे करते हैं, हमें क्या बतलाते हैं, हमें क्या सिखाते हैं। तो आइए हम अपने आँखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएंगे और डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के उसके बाद वचन में हम आगे बढ़ेंगे। आइए हम अपने आँखों को बंद करें। प्यारे प्रभु यीशु, सर्व सामर्थी दयालु परमेश्वर, हम आपका फिर से धन्यवाद देते हैं। आपने हमारे बीच इतने अद्भुत काम किए और ऐसे ऐसे काम किए दयालु परमेश्वर जो असंभव थे, मनुष्यों से नहीं हो सकता था, लेकिन आपने उसे किया। प्रभु जी दयालु परमेश्वर, आपने काम करके दिखलाया कि आप परमेश्वर हैं और आपके हाथों में सब कंट्रोल है। प्रभु जी यीशु मसीह, आज भी बहुत से दुखियारे आपके पास आए हैं, एक आस को लेकर आए हैं, और यीशु मसीह जब ये आपके वचन को सुनते हैं, होने दीजिए इनके बंधन खुल जाने पाए। दयालु परमेश्वर, ये आप में आगे बढ़ने पाए, आपकी तरफ कदम बढ़ाने पाए, ताकि जो आशीषें आपने इनके लिए रखी हैं उन आशीषों को ये प्राप्त करने पाए। यीशु मसीह, इस सभा को आपके कंट्रोल में सौंपते हैं, आप इस सभा का संचालन कीजिए। पवित्र आत्मा आप इस सभा को चलाइए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी के पवित्र मीठे और महासामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए, स्वर्ग राज्य में से ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए हम लोग जल्दी से वचन में आगे बढ़ेंगे और कोई भी अब अपने निवेदन नहीं लिखेंगे, निवेदन लिखने का समय बाद में है। आप हमारे व्हाट्सएप में अपना निवेदन दे सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको हमारे पेज में मिल जाएगा। और आप जब पास्टर प्रार्थना करती हैं उस समय आप यहाँ पे अपने निवेदन को डाल सकते हैं। अभी वचन का समय है, ध्यान से वचन सुनेंगे। और आज की ये सभा जो है ये विशेष करके विश्वासियों के लिए सभा है, जो प्रभु में आगे बढ़ चुके हैं, प्रभु को अपने जीवन में स्थान जिन्होंने दिया उनके लिए सभा संडे की सभा होती है। ट्यूसडे की सभा जो है वो नए लोगों के लिए होती है। तो आप जानते हैं जितने लोग हैं इतने दिनों में, तो आप लोगों ने सीख ही लिया होगा कि आदम और हव्वा कौन थे, और आदम और हव्वा पृथ्वी के पहले स्त्री और पुरुष, पुरुष और स्त्री थे, और जिनको परमेश्वर ने अपने हाथों से रचा था और उनसे प्रेम किया था। मनुष्य जाति से परमेश्वर ने प्रेम किया और आदम हव्वा को उन्होंने, परमेश्वर ने अदन नाम के बगीचे में रखा, जिस बगीचे में उन्हें कोई परेशानी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ करना नहीं था, कोई परिश्रम वैसे करने नहीं थे, और वहाँ पे परमेश्वर ने रखा और उन्हें कहा तुम सारे फलों को यहाँ के खा सकते हो, सब खा सकते हो, बस बीच में जो ज्ञान का वृक्ष है उसके फल को तुम मत खाना, तुम उसको छूना भी मत, खाना भी मत, क्योंकि जिस दिन तुम खाओगे उस दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तो परमेश्वर हमें बहुत सारी हिदायत देते हैं, हमें आशीष तो देते हैं लेकिन कुछ हिदायतें भी हैं हमारे जीवन में जिसको हमें नहीं करना है, कुछ चीजें हैं जिसको हमें करना है, जो परमेश्वर ने कहा है करना है तो करना है, और कुछ चीजें हैं जो परमेश्वर ने कहा नहीं करना तो उसको नहीं करना है। उसमें हमें अपने लॉजिक नहीं लगाना, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तो नहीं करना तो नहीं करना और करना है तो करना है। और बस एक ही चीज परमेश्वर ने उन्हें कहा कि तुम भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, बस इतना ही परमेश्वर ने कहा। और आदम और हव्वा से वो भी नहीं हुआ, वो उतना भी नहीं कर पाए कि बस परमेश्वर की एक आज्ञा को मानते कि उस ज्ञान के वृक्ष का फल हमें नहीं खाना, जब परमेश्वर ने कहा तो हमें नहीं खाना। और उन्होंने जिस बात के लिए परमेश्वर ने उनको मना किया उसी बात को किया, और उन्होंने फल तोड़ के खाया और वो पाप में गिर गए। और पाप में जब गिरे, क्यों पाप में गिरे, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के नियम के विरुद्ध काम किया, जो परमेश्वर ने नियम बना दिया उसको उन्होंने तोड़ा और इस कारण वो पाप में गिर गए। और ये
उनके लिए पाप गिना गया। और जब ऐसा हुआ तब एक घटना हुई, और वो घटना क्या थी, मैंने अब आज अपने चर्च में भी ये सवाल पूछा क्या घटना थी, तो लोगों ने बताया, सभी ने सही बताया, उनकी आंखें खुल गई और वो उस जगह से निकाले गए और फिर बहुत सारी चीजें बताया, सही बताया सबों ने। तो लेकिन आज हम कुछ और सीखेंगे, और वहां पे एक घटना हुई, और वो घटना क्या थी, उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसका 6 से 7 पद अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे इस बात को देखते हैं। ध्यान से आप लोग सुनिए, अभी कोई भी देखिए, तरुण कांति मिंच, आप अभी मैंने कहा ना कोई भी अपने निवेदन नहीं देंगे, निवेदन मत दीजिए, अगर चाहते हैं आपके जीवन में काम हो, ध्यान से वचन सुनिए और वचन का पालन कीजिए, खुद काम खुद ब खुद होंगे। आप निवेदन डालते रह जाएंगे, काम शैतान चुरा कर ले जाएगा। जब परमेश्वर के वचन को बांटा जा रहा है, आप लोग परमेश्वर के वचन को आप ध्यान दीजिए, आप उसको अहमियत दीजिए, यीशु मसीह खुद काम करेंगे। और अगर हम लोग उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 6 से 7 अगर पढ़ेंगे तो वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा, हाँ, स्त्री यानी हव्वा ने, आदम था और वहां पे हव्वा थी, और स्त्री ने हव्वा ने देखा कि वो वृक्ष का फल खाने में बहुत अच्छा है और देखने में मन भाव, देखने में तो मन को मोह लेना वाला है, और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी, बुद्धि देने के लिए क्या है, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़ कर खाया, उसने स्त्री ने उसमें से तोड़ करके खा लिया और अपने पति को भी दिया, पति को भी दिया, खुद भी खाया, परमेश्वर की आज्ञा का अनादर किया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, खुद तो पाप किया ही और पति को भी उसने दिया, और उसने भी खाया, दोनों ने खा लिया, आदम और हव्वा ने, पति और पत्नी ने, इस जो परमेश्वर ने जिस चीज को खाने से मना किया उस चीज को उन्होंने दोनों ने खाया और परमेश्वर के नियम को तोड़ दिया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और पाप में गिर गए। तो वहां पे एक घटना हुई, और जब उन्होंने खाया फिर क्या हुआ, तब उन दोनों की आंखें खुल गई, दोनों की आंखें खुल गई, दोनों की क्या खुल गई, आंखें खुल गई, और उसके बाद, और उनको मालूम हुआ, उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। वे क्या हैं, उनको क्या पता चला कि वे नंगे हैं। मेरे प्रियो, एक घटना हुई और सबसे बड़ी घटना ये हुई कि जब उन्होंने वृक्ष के फल को खाया तो उन्होंने एक बात पाया कि वे तो नंगे हैं। इससे पहले बाइबल में लिखा है वे नंगे थे पर लजाते नहीं थे, लेकिन अब क्या हुई, उनकी आंखें जब खुली तो उन्होंने पाया कि वे तो नंगे हैं, और अब वो लजाने लगे, परमेश्वर से छुपने लगे। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ मेरे प्रियो, क्योंकि जो प्रभु में रहते हैं ना, जो यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर उनको एक वस्त्र देते हैं जो हमें दिखाई नहीं देता, वो सिर्फ परमेश्वर को दिखाई देता है। वो वस्त्र, वो क्या है, आत्मिक वस्त्र है, क्योंकि बाइबल क्या बताती है, यीशु मसीह दोबारा आने वाले हैं। और क्यों आने वाले हैं, वो बादलों में होकर आएंगे, और क्यों आएंगे, हम सभी को अपने साथ ले जाएंगे। और वहां पे लिखा है कि हम जो जीवित हैं, अगर हम उस समय तक मृत्यु में नहीं जाते हैं, प्रभु में नहीं सोते हैं, क्योंकि जो यीशु मसीह में है जीवन जीते हैं, जो मरते हैं तो वचन कहता है कि वो मरते नहीं, वो सो जाते हैं, क्योंकि सोने वाले फिर से जागेंगे। अगर हम उस समय तक प्रभु में नहीं सोते तो बाइबल इस बात को बताती है जब यीशु मसीह आएंगे तो हमारा रूपांतरण हो जाएगा और हम हवा में प्रभु से मिलेंगे और हमारे कपड़े चेंज हो जाएंगे, वो आत्मिक वस्त्र हो जाएगा वो हमारे, हम चाहे कैसे भी वस्त्र पहने, ये शारीरिक वस्त्र ये नहीं रहेंगे, ये आत्मिक वस्त्र में हमें एक आत्मिक वस्त्र मिलेगा और हम आत्मिक वस्त्र में बदल के हमारा रूपांतरण हो के हम प्रभु से मिलेंगे। और जो उस समय तक अगर हम सो गए हैं प्रभु में, यीशु मसीह में, तो हम फिर जागेंगे और हमारा फिर से प्रभु से मिलन होगा, मुर्दे जी उठेंगे और हवा में प्रभु से मिलेंगे। तो उस समय जो मुर्दे जो रहेंगे वो तो कब्रों में रहेंगे, मान लीजिए 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल से कब्र में, तो उनके कपड़े तो ऐसे ही फट गए, उनके कपड़ों को कीड़े ने खा लिया, उनके कपड़े मिट्टी बन गए, तो वो कौन सा फिर वस्त्र पहन के उठेंगे। वहां पे जवाब है वो आत्मिक वस्त्र पहन के उठेंगे और वो हवा में प्रभु से मिलेंगे, उनके वस्त्र, उनको एक वस्त्र दिया जाएगा जो आत्मिक होगा, जो प्रभु देखेंगे, वो हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते।
आदम हवा की आंखें खुल गई, वह सांसारिक आंखें खुल गई, तो उसने देखा अरे हमने तो वस्त्र नहीं पहने। जब तक उनकी आंखें आत्मिक थी तब तक उनको मालूम था कि हमारे ऊपर हमारे तन में कपड़ा है, और वो कौन सा कपड़ा है, वो आत्मिक कपड़ा है। प्रभु हमें आत्मिक वस्त्र देते हैं, और ये आत्मिक वस्त्र क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुला हुआ वस्त्र है। बाइबल इस बात को बतलाती है, मेरे प्रियो आप जितने भी लोग, अगर आपने प्रभु को अपना जीवन दिया है, यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया है, परमेश्वर की तरफ से एक आत्मिक वस्त्र सभों को मिला है। और बाइबल बताती है उस वस्त्र की हमें हिफाजत करनी है, उस वस्त्र की हमें रखवाली करनी है। कैसे रखवाली करेंगे, रखवाली प्रतिदिन करनी है। कैसे करेंगे, हम जब भी प्रभु में हैं और फिर बुरे काम कुछ करते ना, हमारे वो आत्मिक वस्त्र जो हैं, जो श्वेत दिखते हैं, हमारी खुली आंखों से नहीं देखेंगे लेकिन प्रभु उस वस्त्र को देखते हैं, और जब भी हम कुछ गलत काम करते हैं हमारे वस्त्र में एक धब्बा लग जाता है, और जब भी हम और गलत काम करते वो धब्बा जो है कालिख में बदलता जाता है। और शैतान बहुत खुश होता है कि इसके वस्त्र में, जो परमेश्वर ने इसको वस्त्र दिए, इसने उसमें धब्बा लगा दिया, इसने उसको कालिख में बदल दिया, इसने उसको बिल्कुल ही काला कर दिया। और यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर का वचन, अगर प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय और उसके 15 पद को देखते हैं तो वहां भी यही बात लिखा हुआ है कि अपने वस्त्र की हमें चौकसी करनी है, जो परमेश्वर ने हमें वस्त्र दिया है, क्योंकि उस वस्त्र के बिना हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते। पढ़िए, देख मैं चोर की नाई आता हूँ। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं चोर की नाई आता हूँ। किसकी नाई आऊंगा, चोर की नाई, क्योंकि जब चोर आता है तो वो बता के नहीं आता। आपके घर में अगर चोरी करेगा तो वो बता के नहीं करेगा कि मैं इस टाइम इतने बजे इतने समय आऊंगा, वो आता है और आपको पता भी नहीं चलता। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं चोर के समान, चोर की नाई मैं आता हूँ। और धन्य वह है जो जागता रहता है। हाँ, जो जागता रहता है। बाइबल बताती है जो जागेगा आत्मिक रूप से जागेगा, हमेशा आंख खोल खोल के जागने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। हर एक बात बाइबल में जो कही गई है उसका एक अलग संदर्भ हो सकता है। यहाँ भी जागने का मतलब है आत्मिक रूप से जागना। कई लोग आत्मिक रूप से सो जाते हैं। आत्मिक रूप से सोने का मतलब क्या, संसार में फिर से खो गए। प्रभु को अपना जीवन तो दिया लेकिन संसार में फिर से खो गए, संसार के कामों में लिप्त हो गए, फिर से वही उनके जीवन में, वही सारे गंदगियां, वही सारे पियक्कड़पन, वही सारे और भी चीजें, वही मुंह से गालियां बकना, ये वो सारी चीजें। आत्मिक रूप से सो जाते हैं लोग, लेकिन क्या बोल बाइबल बताती है, जो जागता है उसको और अपने वस्त्र की चौकसी करता और है। अपने वस्त्र की चौकसी करता है। किस वस्त्र की चौकसी करता है, बाइबल साफ बताती, अपने वस्त्र की चौकसी करना है। हालेलुया, यहाँ पे वस्त्र की चौकसी करने के बारे में बता। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं चोर की नाई आता हूं, और जो जागता है और अपने वस्त्र की चौकसी करता। कौन से वस्त्र भाई, आप लोगों ने भी आज ब्रांडेड कपड़े हो सकता पहना है। आप, मैं तो आपको देख नहीं पा रहा, आप मुझे देख पा रहे हैं, लेकिन आप में से बहुतों ने आज ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे। किसी ने एडिडास के शूज पहने होंगे, किसी ने और भी किसी कंपनी, अच्छी कंपनी के टी शर्ट पहने होंगे, किसी ने अच्छी कंपनी के जींस पहने होंगे, लेकिन उस वस्त्र की चौकसी के बारे में बाइबल नहीं बताती। आपके आत्मिक वस्त्र की चौकसी के बारे में बाइबल बताती है, जो परमेश्वर ने आपको दिया है। जब हम यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन देते हैं, परमेश्वर ने हमें एक आत्मिक वस्त्र दिया है, जो दुनिया के बड़े से बड़े ब्रांडेड कपड़े से भी वो ज्यादा ही महंगे हैं, जिसे कोई संसार के पैसे, रुपये, धन, दौलत खरीद नहीं सकते। वो हमें परमेश्वर देते हैं, क्योंकि वो वस्त्र मेमने के लहू से धुला हुआ है। उस वस्त्र के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कीमत चुकाई है। और हमें बाइबल बताती है वस्त्र की चौकसी करता, जो वस्त्र की चौकसी करता है, यानी हमें अपने वस्त्र की चौकसी करना है जो प्रभु ने हमें दिया है। क्योंकि आप किसी भी ओकेजन में जाएंगे तो हर ओकेजन का अलग एक ड्रेस कोड होता है। आप अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे तो स्कूल का अलग यूनिफॉर्म होता है। आप अपने बच्चे के स्कूल जब भेजते हैं तो उसको किसी भी
स्कूल यूनिफॉर्म में नहीं भेज सकते, किसी भी और ड्रेस में नहीं भेज सकते, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना के ही बच्चे को स्कूल छोड़ना पड़ता है। अगर आप यूनिफॉर्म नहीं पहनाएंगे, उसको वो ड्रेस कोड नहीं पहनाएंगे, तो उसको गेट से अंदर एंट्री नहीं मिलेगा। उसी प्रकार ये बिना आत्मिक वस्त्र के हम परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वहां गेट में आपको देखा जाएगा, वहां गेट में चेक किया जाएगा कि इसने आत्मिक वस्त्र धारण किए हैं या इसने आत्मिक वस्त्र धारण नहीं किए हैं। बाइबल इस बात को बताती है, जैसे ही आदम हव्वा ने पाप किया, उसके आत्मिक वस्त्र चले गए और वो अपने को नंगे देखे, क्योंकि आत्मिक वस्त्र आप नहीं पहने थे। मेरे प्रियो, वो वस्त्र जो परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उसकी चौकसी करनी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी नंगे पाए जाएं, हम भी उस आत्मिक वस्त्र के बिना पाए जाए। भले ही हम संसार के पैंट शर्ट टाई वगैरह सब चीज पहने, लेकिन आपकी आत्मिक नंगाई को परमेश्वर देखेंगे और उसी के हिसाब से आपका न्याय किया जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग सबोपदेशक में भी देखते हैं, सबोपदेशक बाइबल की पुस्तक है, सबोपदेशक और उसका 9 अध्याय और उसके 8 पद को अगर हम लोग देखेंगे, तो वहां पर भी हम एक बात को पाते हैं। देखिए ध्यान से हम लोग सुनेंगे, सबोपदेशक 9 अध्याय और उसके 8 पद में क्या लिखा है। तेरे वस्त्र सदा उजले रहे। हाँ, देखिए यहाँ भी बाइबल बताती है, तेरे वस्त्र कैसे रहे, सदा उजले रहे। कौन से वस्त्र, फिर मैं पूछ रहा हूँ आपसे, सांसारिक वस्त्र जो हमने आपने आज पहना है? नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को कोई मतलब नहीं है कि आप धोती पहनते हैं या आप लुंगी पहनते हैं या पैंट पहनते हैं या बरमूडा पहनते हैं। हाँ, थोड़ा सा हमें सभ्यता के साथ जरूर पहनना है, ऐसा नहीं कि आप असभ्य होके आप रहें आत्मिक जीवन में, जब आप मसीही जीवन में असभ्यता नहीं रखना है। लेकिन यीशु मसीह को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप धोती में हैं, लुंगी में हैं, पैंट में हैं और ब्लेजर में हैं, क्या पहन रहे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता मेरे प्रियो। उनको फर्क पड़ता है कि आपने आत्मिक वस्त्र आपको जो दिए हैं उसके साथ आपने क्या किया है। और यहां पे बाइबल बताती है, तेरे वस्त्र सदा उजले रहे, हमेशा उजले रहे, तेरे वस्त्र मैले ना हो। जब मैंने कहा ना, जब भी हम पाप करते हैं तो हमारे वस्त्र जो आत्मिक है, जिसको हम अपनी इन आंखों से देख नहीं सकते, जिसको दो लोग तो जरूर देखते हैं, एक है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। जब भी हम पाप करते हैं, हमारे उस वस्त्र में जो श्वेत वस्त्र परमेश्वर दिए हैं, उसमें दाग धब्बे और भी बहुत सारी चीजें लग जाती हैं। और जब ऐसी होती है, ऐसी बातें होती हैं, तो परमेश्वर दुखी होते, लेकिन शैतान बहुत खुश होता है, वह बहुत आनंद करता है कि इसको जो परमेश्वर ने वस्त्र दिए, इसने अपने पाप के कारण उसमें धब्बे लगा दिए, अपने पाप के कारण उसमें कालिख लगा दी, अपने पाप के कारण उसमें बहुत सारी चीज लगा दी। आप सोचिए, आपके बच्चे को अगर स्कूल भेजा जा रहा है, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और उसको यूनिफॉर्म पहना के भेजते हैं, मान लेते उसका व्हाइट शर्ट व्हाइट पैंट है, स्कूल का यूनिफॉर्म ही है, यानी सफेद शर्ट है और सफेद पैंट है, और उसमें बहुत कालिख लगी हुई है, उसमें बहुत सारे गंदगियां लगी हुई हैं, आपके स्कूल में जब वो स्कूल में इंटर करेगा तो क्या गार्ड जो है उसको दरवाजे पे नहीं रोक देगा कि तुम ये क्या करके आए हो, जाओ अपने कपड़े चेंज करके आओ। प्रिंसिपल उसको बुला के नहीं बोलेंगे, तुम आज ये क्या करके आओ, तुम इतने गंदे कपड़े पहन के क्यों स्कूल आ गए हो, जाओ दूसरे कपड़े चेंज करके आओ, तुमको आज स्कूल में बैठने नहीं दिया जाएगा, स्कूल यूनिफॉर्म का तुमने क्या हाल कर दिया है, क्या उसको बोला नहीं जाएगा। तो आप कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं कि हम इन आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर ने दिए हैं, जो श्वेत हैं, उसमें हम कालिख गंदगी और क्या क्या लगा के हम स्वर्ग में चले जाएंगे, उस परमेश्वर के पास चले जाएंगे, हमें तो गेट में रोक दिया जाएगा, ये तुमने क्या किया है, ये जो धब्बा है ये तुम्हारे पीने के कारण है, ये जो धब्बा है ये तुम्हारे जुआ खेलने के कारण है, ये तुम्हारे व्याभिचार का धब्बा है, मैंने जो तुम्हें वस्त्र पहनाए, जो मेरे बच्चे के, मेरे बेटे के यीशु, जिनका नाम है परमेश्वर के बेटे का नाम यीशु है, उसके लहू से धुला हुआ वस्त्र तुम्हें पहनाया, तुमने उसमें व्याभिचार का दाग लगा दिया, तुमने उसमें चोरी का दाग लगा दिया, तुमने डकैती का दाग लगा दिया, तुमने किसी विश्वासी को ठग लिया या तुमने किसी अविश्वासी को ही ठग लिया, तुमने किसी का विश्वासघात किया, और पूरे वस्त्र को जब परमेश्वर ऐसे देखेंगे, इतने गंदगियों को हमारे वस्त्र में देखेंगे, तो क्या हमें
वहां परमेश्वर अपने पास आने का मौका देंगे, वो हमें गेट में ही रोक देंगे, वो हमें गेट से ही बाहर कर देंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है तुम्हारे वस्त्र सदैव उज्जवल रहें, उजाले रहें, उजले रहें। हमेशा सिर्फ 2 घंटे 3 घंटे की बात नहीं है मेरे प्रियो, लेकिन हमेशा हमेशा और हमेशा उजले रहें। वो 2 घंटे 3 घंटे जब हम चर्च में जाके बैठते हैं, वो 1.5 घंटे जब हम यहाँ पे ऑनलाइन बैठते हैं, सिर्फ उसी समय तुम्हारे वस्त्र उजले न रहे, उसी समय तुम आत्मिकता मत दिखाओ, उसी समय तुम सिर्फ प्रार्थना में लौलीन मत रहो, उसी समय तुम परमेश्वर से प्रेम मत दिखाओ, लेकिन तुम उठते बैठते चलते फिरते हर समय तुम अपने वस्त्र की चौकसी करो। किसी के मोबाइल तुम उठा लेते हो, तुम अपने चोरी के धब्बे तुम अपने वस्त्र में परमेश्वर जिन्हें जो तुम्हें वस्त्र दिया है उसमें लगा लेते हो। तुम और भी किसी काम को ऐसे गलत करते हो, तुम उसके धब्बे अपने आत्मिक वस्त्र में लगा देते हो। क्या परमेश्वर को पसंद होगा? बिल्कुल नहीं मेरे प्रियो। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे वस्त्र सदैव उजले रहें, सदैव उज्जवल रहें, हमेशा नहीं सदा उजले रहें। एक दिन 2 दिन की बात नहीं कि 2 दिन हम बहुत ज्यादा अपने को आत्मिक धर्मी दिखा दिए, 2 दिन प्रार्थना दुआ में बैठ गए, 2 दिन वचन पढ़ लिए और उसके बाद 3रे दिन जाके हम फिर से वचन के विरुद्ध काम करने लगे। नहीं मेरे प्रियो, हर एक दिन की बात है। हर दिन हमें अपना जीवन एक विश्वासी की तरह जीना है। हर दिन अपने उस वस्त्र की हमें चौकसी करनी, कहीं दाग धब्बे ना लग जाए। और हम इंसान है, गलतियां होती है, लेकिन हमें क्या करना है? हम क्या करेंगे? हमारे बच्चे जब स्कूल जाते हैं और उनके वस्त्र में थोड़े से दाग लग जाते हैं, क्या करते हैं आप? उनको वैसे ही भेज देते हैं? नहीं, आप क्या करते हैं? आप उनके शर्ट को साफ करते हैं। वैसे ही हमें अपने उस आत्मिक वस्त्र को साफ करना, कैसे? क्षमा मांगना है और दोबारा उस गलती को नहीं करना। अगर हम दोबारा उस गलती को करेंगे तो वो वस्त्र के जो दाग है वो और गहरे होते जाएंगे, वो और कड़े होते जाएंगे, जिसको परमेश्वर पसंद नहीं करेंगे। इसलिए मेरे प्रियो, बाइबल इसी बात को बताती है, अपने वस्त्र की चौकसी करो। दूसरा, तुम्हारे वस्त्र सदैव उज्जवल रहे, 1-2 दिन नहीं, सदैव उज्जवल रहे। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय और 1 से 13 तक हम लोग अगर पढ़ते जाएंगे तो वहां पे कुछ बातों को हम देख सकते हैं। ध्यान से हम लोग सुनेंगे और ध्यान से इस वस्त्र के बारे में हम सीखेंगे, क्योंकि हम लोगों को सबों को तो प्रभु ने बुला लिया और हम लोगों ने, हो सकता है, यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने हमें वस्त्र दिए, लेकिन क्या हम उस वस्त्र को श्वेत रखते हैं, उस वस्त्र की चौकसी करते? देखिए, पढ़िए मत्ती 22 अध्याय पहले पद से। इस पर यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगे। हाँ, दृष्टांत में कहने लगे, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। हाँ, और उसने अपने दासों को भेजा। हाँ, राजा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का ब्याह किया। और वचन बताती है कि यीशु मसीह का ब्याह होने वाला है, शादी होने वाली है। क्या आपको मालूम है यीशु मसीह की शादी होने वाली है? और किससे शादी होगी? उनका ब्याह किससे होगा? कलीसिया से ब्याह होगा, कलीसिया यानी चर्च से, आत्मिक रूप से ब्याह होगा, वह सांसारिक वाली नहीं, लेकिन आत्मिक रूप से उनका ब्याह होगा और विवाह होगा इसलिए बाइबल बताती है कलीसिया को, चर्च को अपने को दुल्हन के समान बना के रखना है। और ब्याह होगा, और वो ब्याह कब होगा? अभी हुआ नहीं है, लेकिन होने वाला है, क्योंकि कलीसिया को लेने के लिए यीशु मसीह आने वाले हैं। और वो लिखा है बादलों में होकर आएंगे। और क्यों हम माने भाई बादलों में होकर आएंगे? क्योंकि हर एक बातें जो आज पूरी हो रही हैं, जो भविष्यवाणियां थी बाइबल की 2000, 3000, 4000 साल पहले, सारी बातें आज पूरी हो रही है। तो ये भविष्यवाणी भी पूरी होगी कि यीशु मसीह बादलों में होकर आएंगे और हम सबों को अपने साथ ले जाएंगे। और वो मसीह का ब्याह है, वो मसीह की शादी है, वो इसके बारे में कहा गया है। तो राजा ने अपने बेटे का ब्याह किया, लिखा हुआ है आगे, और उसने अपने दासों को भेजा कि नेवताहारियों को ब्याह के भोज में बुलाए। हाँ, उसने अपने दासों को भेजा कि जिनको मुझे इनवाइट करना, उनको ब्याह में बुलाओ, मेरे बेटे का ब्याह होने वाला उसमें बुलाओ। आगे, परंतु उन्होंने आना न चाहा। फिर उसने
और दासों को यह कहकर भेजा। हाँ, उन्होंने जिनको इनविटेशन मिला था वो आना नहीं चाहे। पहले तो परमेश्वर ने उन्हें इनवाइट किया था लेकिन वो आना ही नहीं चाहे, तो परमेश्वर ने क्या किया, उसने और दासों को यह और कहकर भेजा। हाँ, दासों को भेजा। आज हम भी आपको तो इनवाइट ही तो कर रहे हैं, परमेश्वर की तरफ से इनवाइट कर रहे हैं कि परमेश्वर के पुत्र का ब्याह होने वाला, सभी कोई शामिल हो जाओ। और यहाँ पे देखिए, आगे पढ़िए कि नेवताहारियों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ। हाँ, भोज तैयार कर चुका हूँ और मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है। सब तैयार है, ब्याह के लिए हर चीज तैयार है, भोजन तैयार है, सब चीज तैयार है, ब्याह का सारा व्यवस्था हो चुका है। अब ब्याह के भोज में आओ। हाँ, ब्याह के भोज में, और हम लोग आपको इनवाइट ही करते हैं कि उस परमेश्वर के बेटे के ब्याह के भोज में हम सबों को शामिल होना है। कितने सुनते हैं, नहीं मानते, कितने सुनते हैं और शामिल होने के लिए चल पड़ते। आगे पढ़िए, परंतु वे बेपरवाही करके चल दिए। हाँ, बेपरवाही करके चल दिए। लोग बेपरवाही कर देते हैं जब हम लोग सुसमाचार सुनाते हैं ना, यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटा जाता है, लोग बेपरवाही कर देते हैं। आगे पढ़िए, कोई अपने खेत को, कोई अपने खेत को चला गया, कोई अपने व्यापार को, औरों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया। हाँ, दासों को पकड़कर अनादर किया। किसके दासों को? परमेश्वर के दासों को पकड़कर। राजा के दास, यहाँ पे उन्होंने पैराबल में इस बात को बोला, राजा कौन है? परमेश्वर। और राजा का पुत्र कौन है? प्रभु यीशु मसीह, जो राजा का पुत्र है। यीशु मसीह को हम राजा का पुत्र कहते हैं, परमेश्वर का पुत्र जानते हैं। आगे पढ़िए, यहाँ लिखा है कि उन्होंने दासों का अनादर किया। आज जो आपको सुसमाचार सुनाते हैं, कितने लोग आज अनादर पाते हैं, कितने लोग जो सुसमाचार सुनाने जाते हैं लोग उनसे अच्छा व्यवहार नहीं करते। आगे पढ़िए, और मार डाला। और कितने लोग मारे भी जाते हैं सुसमाचार को सुनाने पर कि यीशु मसीह का ब्याह होने वाला, चलो आओ सब भोज में शामिल हो जाओ, और लोग मार भी डालते हैं। आप लोग आज सुन रहे, पूरे वर्ल्ड में ये घटनाएं हो रही हैं, सुसमाचार सुनाने वालों को मार डाला जाता है। आगे पढ़िए, राजा ने क्रोध किया। हाँ हाँ, और अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों को नाश किया। हत्यारों को नाश किया। परमेश्वर ऐसे लोगों से बदला भी लेते हैं। आगे पढ़िए, और उनके नगरों को, नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, ब्याह का भोज तो तैयार है, ब्याह का भोज तैयार हो चुका है, मेरे बेटे का विवाह होने वाला है, परंतु नेवताहारी योग्य नहीं ठहरे, इसलिए चौराहों में जाओ, इसलिए चौराहों में जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको ब्याह के भोज में बुला ला। हाँ, सबको, जितने लोग मिले। आज यहाँ आपको ब्याह के भोज का हम लोग इन्विटेशन दे रहे हैं, और हर एक ट्यूसडे हर एक संडे पिछले 3 सालों से हम लोग ब्याह के भोज का आपको इन्विटेशन दे रहे हैं कि यीशु मसीह का ब्याह होने वाला है, सभी को इसमें शामिल हो जाइए। और सबों को, जैसा बाइबल में लिखा है, सबों को इनवाइट कर दो। परमेश्वर ने कहा, मतलब राजा ने कहा, परमेश्वर ने भी आज हमें कहा, सबको इनवाइट कर दो, चाहे वो भले हो चाहे वो बुरे हो। परमेश्वर नहीं देखते आप कितने भले हैं, कितने धर्मी हैं, या आप कितने बुरे हैं, कितने बड़े मर्डरर हैं, कितनी जगह डकैतियां डालें। आज आप सोचिए, इस ऑनलाइन सभा में कितने लोगों का जीवन प्रभु बदल दे रहे हैं, कितने लोग शामिल हो रहे हैं। आप नहीं जानते कि अगला जो देख रहा है उसने किसी का मर्डर किया है, अगला जो देख रहा है उसने कभी डकैती की है, अगला जो देख रहा है उसने चोरी की है। लेकिन यीशु मसीह का यही तो एक बात है कि लोगों के जीवन को वो बदल देते हैं। और पढ़िए आगे, सो उन दासों ने सड़कों पर जाकर, क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया। हाँ, क्या बुरे क्या भले, देखिए यहाँ लिखा हो, क्या बुरे क्या भले। हम लोग यहाँ जब सुसमाचार बांटा जाता तो नहीं देखते हम लोग, अरे अरे ये दिखने में बहुत अच्छा है, ये तो दान करता है, ये पुण्य करता है, ये गरीबों को खिलाता है, ये फलाना करता है, ये ऐसा करता है, तो इनको सुसमाचार सुनाना है। अरे ये तो चोरी करता है, ये डकैती करता है, इनको सुसमाचार नहीं सुनाना है। सबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। बाइबल का सुसमाचार चेहरा देख के नहीं बताया जाता, बाइबल का सुसमाचार सबों को सुनाया जाता है, ये सब के लिए। और क्या भले क्या बुरे सबों को, यहाँ पे लिखा राजा के दासों ने सुसमाचार, मतलब इनविटेशन दे दिया, यही इनविटेशन तो सुसमाचार है। आगे पढ़िए, और ब्याह का घर जेवनारों से भर गया। हाँ, वो जो ब्याह का घर है ना, वो जेवनहारों से भर गया, लोगों से वहां पे पैक हो गया। और आगे,
जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया, हाँ जब राजा वहां पे देखने के लिए इनवाइटेड लोगों को देखने के लिए भीतर आया, आज भी आप इनवाइट किए गए हैं और आप सोचिए कि कितने लोग यहाँ पे, अभी तो 481-82 लोग एक एक मोबाइल में हैं, इसमें भी एक एक मोबाइल में चार चार पांच पांच लोग देखते हैं, तो सोचिए कितनी बड़ी संख्या है, और बाद में और लोग देखेंगे, तो जेवनहारों से इनवाइटेड लोगों से भर गया है। आगे तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा, हाँ मनुष्य को एक देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने, ब्याह का वस्त्र नहीं पहने हुए था। कौन सा वस्त्र? ब्याह का वस्त्र। यहाँ भी वस्त्र का जिक्र है, वस्त्र बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। और फिर पढ़िए आगे। उसने उससे पूछा, हाँ राजा ने उससे पूछा, हे मित्र तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? क्यों बिना ब्याह का वस्त्र पहने आ गया? आप सोचिए, आपकी अपने घर की शादी में जाएंगे तो वहां पे एक आपका तो ड्रेस कोड होगा, आप अच्छे से जाएंगे, ब्लेजर पहनेंगे, बहुत लोग टाई पहनते, बहुत लोग हमारे हिंदुस्तान में एथनिक वस्त्र पहनते हैं, हम कुर्ते पैजामे और शेरवानी वगैरह पहनते हैं। अब आप वहां पे जाएंगे और वो शेरवानी ना पहन के, ब्लेजर ना पहन के, शर्ट और पैंट ही बहुत लोग पहनते, अच्छे ढंग से शर्ट पैंट पहनते हैं। अब वहां पे आप क्रिकेट वाला ड्रेस पहन के चले जाएंगे, सर में हेलमेट पहन के और पैर में लेग गार्ड पहन के, हाथों में नी गार्ड पहन के, बल्ला हाथ में लेके चल जाएंगे, तो क्या अच्छा लगेगा? वहां आपको तो घुसने नहीं दिया जाएगा, वहां गार्ड आपको रास्ते में रोक देंगे, बोलेंगे आप पागल खाने से आए लगता है, आप यहाँ नहीं घुस सकते। क्यों? क्योंकि आपने ब्याह का वस्त्र नहीं पहना। जो उस ब्याह के दरवाजे के पार जाने के लिए वस्त्र चाहिए वो आपने नहीं पहना। अपने वस्त्र की चौकसी करो, वस्त्र परमेश्वर ने तुम्हें दे दिए हैं, जो प्रभु में आगे बढ़ गए हैं उनको वस्त्र परमेश्वर ने दे दिए हैं। और यहाँ पे ये जो इंसान था इसने वस्त्र ही नहीं पहने थे, हो सकता है इसने वस्त्र ही नहीं लिए हों, उसने वो वस्त्र पहने ही नहीं हो, यानी उसने यीशु मसीह को अपने जीवन में एक्सेप्ट ही ना किया हो, उसको वस्त्र मिले ही नहीं हो। पहला तो उसको रोक दिया जाएगा, दूसरा उसे रोक दिया जाएगा जिसने वस्त्र मिल गए हैं, आत्मिक वस्त्र जो परमेश्वर ने उसे दिए, लेकिन उसने दाग धब्बों से अपने वस्त्र को भर दिया, उसे भी रोक दिया जाएगा मेरे प्रियो। और यहाँ देखिए क्या लिखा है अंत में, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? ब्याह का वस्त्र पहने बिना तो क्यों आ गया? आगे उसका मुंह बंद हो गया, मुंह बंद हो गया। आगे तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांध कर, इसके हाथ पांव बांधो, उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, वहां रोना और दांतों का पीसना होगा। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं रोना और दांतों का पीसना हो? यहाँ पे हम ये देखते हैं बिना ब्याह का वस्त्र पहने हुए ब्याह में, किसके ब्याह में? जो यीशु मसीह ने पैराबल के रूप में कहा, जो दृष्टांत के रूप में कहा, लेकिन उन्होंने अपने बारे में बताया, बिना ब्याह के वस्त्र पहने अगर हम उनके ब्याह में शामिल होने के लिए जाएंगे, हम कितना भी सुसमाचार सुन ले, हम कितना भी कुछ कर ले, हम कितना भी हालेलुया आमीन यहाँ पे लिख ले, लेकिन अगर ब्याह का वस्त्र धारण नहीं किए हैं तो हमें रोक दिया जाएगा। दो ही चीजें मेरे प्रियो, स्वर्ग और नरक। स्वर्ग वो है जहां परमेश्वर का निवास स्थान है, और नरक वो है जो शैतान और उसके दूतों के लिए वो बनाया गया है। स्वर्ग ऐसा जगह है जहां पे कोई आंसू कोई गम नहीं है, जहां हम हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेंगे। नरक वो स्थान है जहां पे दुखों का कोई अंत नहीं है, वहां आग का झील है, वहां ऐसे कीड़े हैं जो आग में जिंदा रहने वाले कीड़े हैं, और दिन रात हमारे शरीर को खाएंगे और हम हमेशा हमेशा और हमेशा के लिए आग में जलेंगे। बिना ब्याह के वस्त्र पहने अगर हम परमेश्वर के स्वर्ग में जाने की कोशिश करेंगे, हमें दरवाजे पर रोक दिया जाएगा। और दूसरा उनको रोका जाएगा जिनको ब्याह का वस्त्र पहनाया गया है, जिन्होंने आत्मिक वस्त्र पहने हैं लेकिन उन्होंने अपने वस्त्र को गंदा कर दिया है। किन कामों से? संसारिक कामों से, गंदे कामों से, व्याभिचार से दाग लगा दिया, चोरी से दाग लगा दिया, डकैती से दाग लगा दिया। वस्त्र मिल चुका, आपने मसीह को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, आप मसीह में आगे बढ़ चुके, लेकिन फिर वही गंदगी वाले काम अगर आप अपने जीवन में कंटिन्यूअस करते रहेंगे तो वो आपके जो श्वेत वस्त्र हैं वो गंदे होते जाएंगे, और गंदे वस्त्रों के साथ आप स्वर्ग में कभी एंट्री नहीं कर सकते। ये वाले वस्त्र नहीं, आत्मिक वस्त्र। आपने देखा जैसे ही आदम और हव्वा ने पाप किया,
उनकी आंखें खुली, उन्होंने देखा अरे हम तो वस्त्र पहने ही नहीं है। उनको वस्त्र मिले थे लेकिन उन्होंने अपनी गलती के कारण उन वस्त्रों को खो दिया, उन आत्मिक वस्त्र को खो दिया। और उसके बाद एक निर्णय हुआ परमेश्वर की तरफ से, अब तू यहां नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि तूने तो वस्त्र ही नहीं पहने, आत्मिक वस्त्र तेरे गायब है, तुझे जो मैंने वस्त्र दिए थे उसको तूने खो दिया है, अब तू यहां नहीं रह सकता, तुम दोनों यहां नहीं रह सकते। और परमेश्वर ने उसको, उन दोनों को वहां के अदन के बगीचे से निकाल दिया, और जीवन भर वो उस अदन के बगीचे में वापस नहीं आ पाए। मेरे प्रियो, क्या आपने आत्मिक वस्त्र पहने हैं? क्या आपने परमेश्वर को अपने जीवन में स्थान दिया है? हम कहां जा रहे हैं? हम मेमने के ब्याह में जा रहे हैं। मेमना कौन? प्रभु यीशु मसीह। हम किसके ब्याह में जा रहे हैं? हम परमेश्वर के पुत्र के ब्याह की तैयारी कर रहे हैं कि हमें उस ब्याह में शामिल होना है। हम सब कुछ कर लिए हैं लेकिन क्या हमने ब्याह का वस्त्र धारण किया, हमें मिला है? कैसे मिलेगा? जब हम प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे तब हमें वो ब्याह का वस्त्र मिलेगा, तब हमें वो आत्मिक वस्त्र मिलेगा जो संसार की आंखें देख नहीं सकती, परमेश्वर देख सकते हैं। और अगर हमने उस आत्मिक वस्त्र को पाया है तो क्या हमने अपने कामों से उसे गंदा नहीं कर दिया? क्या हमारे काम अभी भी घृणित हैं? क्या हमारे काम अभी भी ऐसे हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है? क्या हमारे काम ऐसे हैं जो परमेश्वर के नियमों को तोड़ते हैं? क्या हमारे काम ऐसे हैं जो हमारे आत्मिक वस्त्र में कालिख लगाते हैं, उसे गंदा कर देते हैं? आप उस वस्त्र को पहन के कभी भी परमेश्वर के पुत्र के ब्याह में शामिल नहीं हो सकते, मतलब उस स्वर्ग राज्य में नहीं जा सकते। इसलिए मेरे प्रियो, अगर हमारे काम वैसे हैं तो आज भी समय है, अभी भी समय है अपने वस्त्र को फिर से श्वेत करना है। वहां आपको मौका नहीं मिलेगा, अभी तो मिलेगा, अभी जब तक हम इस संसार में हैं उन कामों को हमें छोड़ना है, वो फिर से श्वेत हो सकते हैं। कैसे श्वेत होंगे? हमें क्षमा मांगना है प्रभु से और हमें उन कामों को फिर दोबारा नहीं दोहराना जिसको परमेश्वर ने मना किया है, जिसको यीशु मसीह ने मना किया है। अभी समय है, अभी क्षमा मांगिए और उन कामों को नहीं दोहराना अगर हमें आत्मिक वस्त्र मिल चुके हैं तो। और अगर हमें अभी तक आत्मिक वस्त्र नहीं मिले तो उसको हमें हासिल करना है, क्योंकि बिना उसके आप एंट्री नहीं कर सकते। छोटे से साधारण से स्कूल में आप बिना यूनिफॉर्म के बच्चे नहीं जा सकते, तो सोचिए परमेश्वर के राज्य में क्या बिना आत्मिक वस्त्र के हम जा सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं जा सकते, गेट पे ही रोक दिया जाएगा। और अगर स्वर्ग राज्य में रोक दिया जाए तो एक ही हमारा ठिकाना होगा और वो है नरक। और मेरे यकीन करिए मेरे प्रियो, नरक अच्छी जगह नहीं है, वहां कोई भी जाना नहीं चाहेगा। तो मेरे प्रियो, अगर आपको आत्मिक वस्त्र मिले हैं उसकी हिफाजत कीजिए, प्रतिदिन उसको देखिए कि कहीं आप उसको मटमैला तो नहीं कर दे रहे, कहीं आप उसको गंदा तो नहीं कर दे रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो क्षमा मांगिए और फिर से उन कामों को मत कीजिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप भी निकाले जाएं, आप भी रोक दिए जाएं। और आप जब अपने उन कामों से तौबा करेंगे तो यीशु मसीह खुश होंगे। तो परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले, हम आदम और हव्वा की तरह ना बने कि वस्त्र तो मिल गया लेकिन उसको फिर से खो दिए। हम और दूसरों के जीवन को ना देखें, हम अपने जीवन को झांके और अपने वस्त्र की हिफाजत करें, अपने सदैव अपने वस्त्र को श्वेत रखें हम, ताकि परमेश्वर को वो सुहावना लगे, परमेश्वर को वो ग्रहण योग्य हो, यीशु मसीह को ग्रहण योग्य हो। और ये परमेश्वर के इन वचनों से हम सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। आइए हम लोग जल्दी से प्रार्थना में जाएंगे, अभी पास्टर प्रार्थना करेंगे। आप मांगिए, जो भी आपके जीवन में जो भी है परेशानी, आप मांगिए यीशु मसीह से, पास्टर के साथ, यीशु मसीह आपके जीवन में जरूर आशीष देंगे। तो आइए हम प्रार्थना में जाएं, तब तक के लिए सबों को जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित वचनों से आप सबों को बहुत आयत की आशीष मिले। और प्रभु के जब आपने संदेश को सुना है उसे समझें, उसके अनुसार चलने के लिए आप प्रयत्न करें, प्रभु से सहायता मांगें, परमेश्वर के दास्तांशु को और भी अधिक अभिषेक मिले, आशीष मिले। और ये समय है, अब हम अपने आंखों को बंद करेंगे, आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, ये समय है जब हम अब प्रार्थना, चंगाई प्रार्थना की ओर आगे बढ़ रहे हैं। आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं, समस्या में हैं, रोग में हैं, बहुत सारे लोग अपने निवेदन यहाँ टाइप कर रहे थे, अब ये समय है जब आपके लिए प्रार्थना होगी। आप अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, कई एक हैं जो पहली दफा आराधना में जुड़े हैं, तो आप भी अपने स्थान में स्थिर हो जाएं, आंखों को बंद कर लें
परिवार के साथ बैठे हैं, मित्रों के साथ बैठे हैं, अन्य लोगों के साथ बैठे हैं, आप किसी से कोई भी बातचीत नहीं करेंगे और बिल्कुल ये समय है अपने मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। और जब अब मैं प्रार्थना करूंगी, आप मेरे साथ मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को दोहराएंगे, मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को रिपीट करेंगे। और जब तक अब प्रार्थना होगी तब तक आप बिल्कुल स्थिर रहेंगे, आंखों को बंद रखेंगे और बातचीत नहीं करेंगे। तो मेरे पीछे पीछे प्रार्थना को आप दोहराएंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आए हैं, हम आपके पास आए हैं, हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, हम पर अनुग्रह कीजिए, अपने पवित्र लहू से, अपने पवित्र लहू से हमें धोकर, हमें धोकर आप शुद्ध कीजिए, आप शुद्ध कीजिए, हमारे पापों को, हमारे पापों को, गुनाहों को, गुनाहों को, अपराधों को, अपराधों को आप मिटा दीजिए, आप मिटा दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह हमारे जीवन से, हमारे जीवन से हर श्रापों को मिटा दीजिए, हर एक श्रापों को आप मिटा दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह हमें चंगा कीजिए, हमें चंगा कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए, हमें छुटकारा दीजिए। जब हमने आपके नाम को, जब हमने आपके नाम को स्मरण किया है, स्मरण किया है, विश्वास किया है, विश्वास किया है, हम सबों के नाम, हम सबों के नाम जीवन के पुस्तक में, जीवन के पुस्तक में आप लिख दीजिए, आप लिख दीजिए। यीशु मसीह, यीशु मसीह हम सबों को, हम सबों को अपने संतान होने का, अपने संतान होने का अधिकार दीजिए, अधिकार दीजिए। हम पर दया कीजिए, हम पर दया कीजिए, और हमारे जीवन से, और हमारे जीवन से हर दुखों को, हर दुखों को आप दूर कीजिए, आप दूर कीजिए। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, प्रार्थना मांगते हैं। दया से सुनिए, दया से सुनिए, और ग्रहण कीजिए, और ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आंखों को बंद ही रखेंगे और अब ये समय है जब आप अपने समस्याओं को यीशु मसीह के सम्मुख रखेंगे। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं आपके जीवन में, यदि आप दुख तकलीफ में परेशान हैं, आपके परिवार में लड़ाई और झगड़े हैं, आपके जीवन में कमी है, आपके जीवन में कर्ज है, यदि आप डिप्रेशन में हैं, यदि आपके जीवन में बहुत सारे उतार और चढ़ाव हैं, यदि आप परेशान हैं, ये समय है अपने सारे समस्याओं को आप यीशु मसीह के सम्मुख रखें और मांगे यीशु मसीह के नाम लेकर कि प्रभु हम पर आप दया कीजिए, हमें छुटकारा दीजिए, हमें चंगा कीजिए। आपके आवश्यकताओं के अनुसार आप प्रत्येक यीशु मसीह के नाम लेकर अपने समस्याओं को यीशु मसीह के सम्मुख रखें और मांगे कि प्रभु हम पर भी आप दया कीजिए। और जब प्रार्थना का अंत होगा मैं आमीन कहूंगी, अपने स्थान में आप भी आमीन कहेंगे। विश्वास के साथ आप प्रभु के सम्मुख अपने बातों को रखें। अंत होगा मैं आमीन कहूंगी, बिल्कुल अपने स्थान में आप आमीन कहेंगे, मन में नहीं परंतु आप कहें, ताकि प्रभु आपके विश्वास को सुने, देखे और उसके अनुसार आपके लिए काम करें। प्यारे प्रभु यीशु, इस घड़ी हम धन्यवाद करते हैं। हाँ यीशु, सच में प्रभु ये आपकी इच्छा हुई कि आपका सुसमाचार उन तक भी पहुंचाया जाए जो प्रभु आपके नाम को नहीं जानते। हाँ यीशु, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, इस ऑनलाइन के माध्यम से आपने कई एक तक अपने राज्य का सुसमाचार पहुंचाने के लिए प्रभु आपने दास का अभिषेक किया। धन्यवाद। और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने जिनसे प्रेम किया उन्हें नाम लेकर बुलाया। हाँ, प्रभु यीशु आपके वचन के अनुसार बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत थोड़े हैं। मेरे यीशु होने दीजिए जितने इस आराधना में जुड़ते हैं वे आपके चुने हो में से होने पाए। मेरे यीशु वे आपके उद्धार तक पहुंचने पाए, वे आपके छुटकारे को प्राप्त करने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी वे आपके देह के अंग कहलाने पाए, वे आपके प्रभु चराई की भेड़े कहलाने पाए। प्रभु आपका वचन कहता है जो आपकी भेड़े हैं वो आपका शब्द पहचानती हैं। यीशु मसीह नासरी इस घड़ी भी प्रभु जब आपके लोगों ने आपके वचनों को सुना है आपके शब्द को पहचानने पाए, हर बंधन यीशु नाम से टूटने पाए, हर बुरी युक्तियां बुरी शक्तियां यीशु नाम से विफल होने पाए,
हर एक तरह के शारीरिक रोग यीशु नाम से दूर होने पाए, हर एक तरह के मानसिक रोग यीशु नाम से दूर होने पाए, जितने भी आर्थिक परेशानियां हैं इनके जीवन से यीशु नाम से दूर होने पाए, हर तरह के केस और मुकदमे यीशु नाम से सॉल्व होने पाए। प्रभु इस घड़ी कई एक परेशान हैं अपने जीवन को लेकर, अपने भविष्य को लेकर, आप उन पर भी दया कीजिए यीशु मसीह, क्योंकि आपका वचन कहता है जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे लिए किए हैं वो हानि की नहीं वरन लाभ ही की है। इसी वचन के अनुसार प्रभु यीशु आप इनके लिए काम कीजिए, जो शैतान ने इनके जीवन में हानि डाला है यीशु नाम से वो हानियों को हम दूर करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हर हानि को आप लाभ में बदल दीजिए, हर रोग को आप चंगा कीजिए, हर दुर्बलता से इन्हें छुटकारा दीजिए। इस घड़ी तमाम जितने भी शरीर के तकलीफ हैं, दर्द हैं, जितने भी शरीर के कमजोरी हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के सर से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ और बीमारी हैं, माइग्रेन के दर्द हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। धन्यवाद। जितने भी सर के इन्फेक्शंस हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी प्रभु यीशु न्यूरो से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, इस घड़ी से यीशु नाम से वो चंगे हो जाए। हर ट्यूमर यीशु नाम से दूर होने पाए। ब्रेन हैमरेज के पेशेंट्स यीशु नाम से चंगे हो जाए। हर एक तरह के पागलपन के अटैक्स यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी मेंटल सिकनेस है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी प्रभु इनके शरीर में दुर्बलताएं हैं जो शैतान ने डाल रखे हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर तरह के जितने आंखों के दर्द हैं, कानों के दर्द हैं, आंखों के सूजन हैं, और आंख और कान से जुड़े हुए जितने भी इन्फेक्शन हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर एक तरह के आंखों के लालीपन यीशु नाम से दूर होने पाए। कानों के जितने भी सूजन है, मवाद आने की तकलीफ है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी गले के दर्द हैं, टॉन्सिल्स के दर्द हैं, थ्रोट इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं जितने भी मुंह के छाले हैं और मुंह से जुड़े हुए जितने भी रोग हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी दांतों के दर्द हैं, मसूड़ों के दर्द हैं, खून आते हैं, मवाद आते हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। प्रभु मांगते हैं पायरिया के जितने भी बुरे लक्षण हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के हार्ट डिजीज, हृदय संबंधित जितनी भी बीमारी है, कमजोरी है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। धड़कन बढ़ने की तकलीफ, हर एक ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के छाती के जितने भी इन्फेक्शन हैं, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। निमोनिया के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। सांस लेने में जो भी तकलीफें हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। हर तरह के जितने भी प्रभु इनके चेस्ट में तकलीफ है, जिस भी कारण से है, यीशु आप उन्हें छुटकारा दीजिए, इन्हें चंगा कीजिए यीशु नाम के द्वारा, ये स्वतंत्र हो जाएं। पेट से जुड़े हुए जितने भी रोग बीमारी दुर्बलता, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। जितने भी प्रभु इनके पेट के दर्द हैं, इन्फेक्शंस हैं, रोग हैं, घाव है, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। गैस्ट्रिक के समस्या यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी प्रभु इनके पेट में सिस्ट हैं, फाइब्रॉइड्स हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। नाभि के दर्द, सूजन, गांठें यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के पैनक्रियास के स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। पाइल्स की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। खूनी बवासीर यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु इनके किडनियों को छू लीजिए, किडनी से जुड़े हुए जितने भी तकलीफ हैं, यीशु नाम से वो दूर होने पाए। किडनी के इन्फेक्शंस, यूरिन के इन्फेक्शंस, यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु इनके किडनी नॉर्मल फंक्शन करने पाए। क्रिएटिनिन यीशु नाम से नॉर्मल होने पाए।
और हर तरह के किडनी की गड़बड़ी इशू नाम से दूर होने पाए। प्रभु मांगते हैं इनके लिवर को छू लीजिए, इनके लिवर को चंगा कीजिए, स्वेलिंग दाग यीशु नाम से दूर होने पाए, फैटी लिवर की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु मांगते हर जॉन्डिस से छुटकारा दीजिए, हेपेटाइटिस बी की दुर्बलता यीशु नाम से दूर होने पाए। यीशु नाम के द्वारा जितने भी मलेरिया और टाइफाइड के बुरे लक्षण हैं, इस कड़ी से दूर होने पाए। प्रभु मांगते हैं हर तरह के जॉन्डिस जो बढ़े हुए हैं, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। जिनके प्रभु टाइफाइड रिपीट कर रहे हैं, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। इस घड़ी हर एक तरह के शरीर के दर्द स्वेलिंग यीशु नाम से दूर होने पाए। जिनके यूरिक एसिड बढ़े हुए हैं, यीशु नाम से वे भी चंगे हो जाएं। यूरिक एसिड के जितने भी दर्द हैं, यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु सामर्थ आपका है, आप काम कीजिए। प्रभु आपके निकट जब लोग आए हैं बड़े विश्वास को लेकर, इनके विश्वास से बढ़कर काम कीजिए। मांगते हैं प्रभु हर एलर्जी को आप दूर कीजिए, यीशु नाम के द्वारा तमाम एलर्जी दूर होने पाए। हर एक तरह के खून की कमी यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी खून से जुड़े हुए समस्या है, रोग है, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी हेमोग्लोबिन की कमी है, यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी थायराइड की बीमारी है, यीशु के नाम से वो दूर होने पाए। थायराइड के बुरे लक्षण यीशु नाम से दूर होने पाए। और हर तरह के स्किन डिजीज यीशु नाम से दूर होने पाए। जितने भी चर्म रोग हैं, इस यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। हर एक तरह के स्वेलिंग, हर एक तरह के जितने भी लालीपन हैं, रैशेस हैं, मिजल्स के तकलीफ यीशु नाम से दूर होने पाए। फोड़े और फुंसियां यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं प्रभु यीशु हर हड्डियों के दर्द और तकलीफ से छुटकारा दीजिए, मांसपेशियों के दर्द और तकलीफ से छुटकारा दीजिए, नस से जुड़े हुए तकलीफों से छुटकारा दीजिए। जो चल नहीं पाते, जो प्रभु अपने आप से उठ नहीं पाते, आप उन पर भी दया कीजिए, छुटकारा दीजिए और अपने लहू के द्वारा इन्हें रिकवर कीजिए। यीशु नाम के द्वारा इनके सारे दर्द दूर होने पाए। हर एक जॉइंट पेन यीशु नाम से दूर होने पाए। अर्थराइटिस के पेशेंट यीशु नाम से चंगे हो जाए। पैरालिसिस के पेशेंट यीशु नाम से चंगे हो जाए। लकवा के मरीज यीशु नाम से स्वतंत्र हो जाए। प्रभु हर तरह के पथरी के दुर्बलता से इन्हें छुटकारा दीजिए। पथरी के रोग यीशु नाम से दूर होने पाए। मांगते हैं यूट्रस को चंगा कीजिए। मान परमेश्वर कई स्त्रियां परेशान हैं, कई लड़कियां परेशान हैं, प्रभु अपने तकलीफ को आपके सम्मुख रख रहे हैं। यीशु आप उन पर दया कीजिए, इनके यूट्रस के सारे इन्फेक्शंस दूर होने पाए। ओवरीज के इन्फेक्शंस यीशु नाम से दूर होने पाए। हर एक तरह के ब्लॉकेज यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं प्रभु इस घड़ी कई बहने बैठी हैं जो संतान की आशीष मांग रही हैं, प्रभु आपकी दया वे प्राप्त करने पाए। यीशु नाम के द्वारा वे इस कड़ी से कंसीव करने पाए। यीशु के नाम से उनके यूट्रस नए होने पाए। प्रभु यीशु मसीह आप जीवित परमेश्वर हैं, अपने वचन के द्वारा चंगा करने वाले ईश्वर हैं। जो बहनें आपको पुकार रही हैं प्रभु, आप उन पर दया कीजिए। हाँ दयालु। और प्रभु अपने वचन के अनुसार गर्भ का फल आपके ओर से प्रतिफल है, इस वचन को इनके लिए आप पूरी कीजिए। समय से प्रभु 9 महीने आप इन्हें संभालिए और समय से स्वस्थ संतान की आशीष को प्राप्त करने पाए। प्रभु इनके जीवन को आशीषित कीजिए, हर श्रापों को मिटा दीजिए, हर दुर्बलताओं को दूर कीजिए, हर एक कमी को दूर कीजिए। इस घड़ी मांगते हैं यीशु मसीह नासरी फिर से आपके लोगों को, जो भी उन्होंने आपके सम्मुख निवेदन रखे हैं, सारे निवेदन को ग्रहण कीजिए। वायरल इन्फेक्शन भी यीशु नाम से दूर होने पाए। और मांगते हैं इस घड़ी जो भी शरीर में तकलीफें हैं, भारीपन है, यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। अन्य अन्य रोगों को भी लोगों ने आपके सम्मुख रखा है, कैंसर, टीबी, यीशु नाम से दूर होने पाए। प्रभु बहुत सारे लोगों के ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों के ऑपरेशंस होने वाले हैं, प्रभु आप उन्हें चंगा कीजिए, छुटकारा दीजिए। सारे रिपोर्ट्स को नॉर्मल कीजिए, यीशु मसीह नासरी होने दीजिए,
या आपके लहू के द्वारा चंगे हो जाए। मिर्गी के रोगी भी यीशु नाम से चंगे होने पाए। इस घड़ी मांगते हैं प्रभु, जितने लोगों ने अपने पढ़ाई के लिए आपके सम्मुख निवेदन रखा है, बहुत सारे लोग हैं अपने प्रभु जीवन के लिए परेशान है, आप उनके लिए उपाय कीजिए। नौकरियों का प्रबंध कीजिए, पढ़ने वालों को ज्ञान बुद्धि समझ दीजिए, और जो प्रभु निरंतर इस आराधना में जुड़े, सफलता की कुंजी आपने प्रभु, इन्हें सफलता दीजिए। धन्यवाद प्रभु, जिन कामों में हाथ लगाते हैं वो काम प्रभु यीशु नाम से सफल होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी, हमारे साथ जो बुजुर्ग जुड़े हैं, जवान जुड़े हैं, बच्चे जुड़े हैं, प्रभु हर एक पर आपकी दया होने पाए। आपके वचन के अनुसार जैसा तेरा विश्वास है वैसे ही तेरे लिए हो। इस वचन को प्रभु आज जितने लोग जुड़े हैं प्रभु उनके लिए इस वचन को आप पूरी कीजिए। बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनते उनके लिए भी इसी वचन को आप पूरी कीजिए। और यीशु आज के दिन कई गवाहियां आने पाए, अपने शांति दीजिए, आनंद दीजिए, जिस मार्ग में चलना है आप अगुवाई कीजिए, अच्छे जीवन को प्रदान कीजिए, रुके कामों को पूरा कराइए, जिनके विवाह में रुकावट है यीशु नाम से वो भी दूर होने पाए। यीशु मसीह नासरी, मांगते हैं जो बेरोजगार है उनके लिए भी उपाय कीजिए। यीशु मसीह नासरी, कई निवेदनों को लोगों ने आपके सम्मुख रखे हैं, आप सब के लिए काम कीजिए प्रभु। इस घड़ी हमारे चर्च ऑफ फेथ की मंडली आपके सम्मुख आई है, और कई अन्य लोगों ने भी प्रभु अपने हाथों को मुट्ठियों को खोला है। यीशु मसीह नासरी, हमारी मंडली के लोगों ने आपके सम्मुख अपने दान दशमांश भेंटों को रखा है, अपने मन्नतों को उन्होंने पूरा किया। यीशु आपकी आशीष को प्राप्त करने पाए, कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी होने ना पाए, इनके भंडारों में प्रभु हमेशा भरपूरी होने पाए, उत्तम पदार्थों से तृप्त कीजिए, और इनके परिश्रम पर आशीष दीजिए, नौकरियों को सुरक्षा दीजिए, बिजनेस को सुरक्षा दीजिए प्रभु, इनके खेती खलिहान को, बाग बगीचों को सुरक्षा दीजिए, मनुष्य और पशु की हिफाजत कीजिए, हर एक को प्रभु भरपूरी का जीवन दीजिए। इस घड़ी हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, जो निरंतर इस आराधना में जुड़ रहे हैं, हर एक के घरों में अपनी शांति दीजिए, लड़ाई और झगड़ों को दूर कीजिए, और यीशु मसीह अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक के जीवन को छू लीजिए, जिस मार्ग में बढ़ना है आप चलने में सहायता कीजिए प्रभु। हम दोनों को आशीषित कीजिए और हमारी सेवा को आशीषित कीजिए, जहां तक आप चाहते हैं प्रभु अपने वचन को फैला दीजिए। सारी महिमा आपके नाम को देते, और प्रभु सारी आदर महिमा फिर से प्रभु यीशु आपको देते, इस प्रार्थना को यीशु नाम से मांगते हैं, दया सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमेन। हम सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु राय से बचा, क्योंकि राज्य सामर्थ्य और महिमा युगानुग तेरी है, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु क्राइस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके संग सर्वदा होती रहे, आमीन। सबको जय मसीह की। ठीक है, हम लोग विदा होंगे, और जितनों ने शेयर नहीं किया अपने लोगों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, और आप लोग जो गवाहियां हैं जिनके जीवन में काम होते हैं आप लोग जरूर से गवाही लिख के डालिए, जो यहाँ से काम होते हैं। गवाहियां कहाँ लिखना है? यहीं पे जहाँ आमीन लिख रहे हैं आप, जय मसीह की जहाँ लिखते हैं वहीं पे गवाही लिखना है। और कैसे लिखना है, फिर से इस सभा को खोलिए, जब ये सभा समाप्त हो जाएगी रिकॉर्डेड सेशन को खोलिए, और उसमें लिख के अपनी गवाही अच्छे ढंग से डालिए कि यहाँ की प्रार्थना से आपके जीवन में क्या काम हुए, ताकि यीशु मसीह आपको जरूर आशीषित करे। और जो गवाहियां डालते हैं हम उनके लिए भी निरंतर प्रार्थना में रखते हैं कि यीशु मसीह इन्हें और अधिक आशीषित कीजिए। और ये सभा जो है हर एक मंगलवार रविवार शाम 7 बजे से चलाई जाती है, तो बिल्कुल सभा में नियमित रूप से शामिल होइए हर एक मंगलवार और रविवार शाम 7 बजे से। और अगर आप चाहते हैं आपके लिए विशेष प्रार्थना हो फोन से, तो आपको पहले 4 लाइव सभा देखना पड़ेगा, मंगलवार रविवार, और उसके बाद आप हमें फोन कर सकते हैं। और आप उस बीच रिकॉर्डेड सेशन भी जरूर से देखिए, आप हमें फोन कर सकते हैं, लेकिन फोन करने का समय दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक ही है।
दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक। और जो आगे पीछे करते हैं हम समझ जाते हैं आप हमारे सभा को देख नहीं रहे, आप ऐसे ही फोन नंबर मिला आपने फोन मिला दिया, हम उस फोन को फिर रिसीव नहीं करते हैं। तो दिन के 12 बजे से रात के 8 बजे तक आप फोन कर सकते हैं। दूसरी बात है, हमारा यूट्यूब में रोहिणी थापा के नाम से चैनल है जिसमें कुछ मसीह के गीत डले हैं और गवाहियां यही है कि गीतों को सुनते सुनते भी लोग चंगे हो जा रहे हैं। तो आप जरूर से इन गीतों को सुनिए, अपनी गवाहियां डालना मत भूलिए। तो परमेश्वर के इस सभा के माध्यम से आप सभी को आशीष मिले। हम लोग फिर से मंगलवार ट्यूसडे शाम 7 बजे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए सबों को जय मसीह की।